जब जागे तभी सवेरा, और सुबह शाम दोनों समय, और विशेष रोगों में तो मैं दोपहर को भी करवाता हूँ। आप उल्टे लेट जाएंगे, उल्टे लेट करके देखो ऐसे, तो सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, दोपहर के खाने के 4-5 घंटे बाद कर सकते हैं। तो ये जो अभी आज अभ्यास बता रहे हैं, जिन्होंने ये अभ्यास कर लिए और दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई ना खाएं, अचार के नाम पर सबसे अच्छा अचार, जिनको मसल्स में पेन होता है उनके लिए लहसुन का अचार होता है, आज लहसुन का अचार कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे। और मसल्स के लिए ज़रूरी है प्रोटीन, और प्रोटीन में सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है एक तो स्प्रिलुना का, तो स्प्रिलुना का प्रोटीन हम प्रयोग करने के लिए, स्प्रिलुना तो हम सबको ही आजकल खिलाते हैं, बताते हैं कि आप ये जो है स्प्रिलुना और ये शिलाजीत, ये तो इसके लिए रामबाण है। तो जिनको भी ये मसल्स की प्रॉब्लम है, एक तो जो दूध दही खाने की आदत बचपन से ही रखें, पर अभी आजकल लोग दूध दही छाछ आदि बंद कर दिया जी। तो दूध दही छाछ जो बचपन से खाएंगे उनको मसल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनमें हेल्दी प्रोटीन होता है। फिर दालें, मूंग की दाल और बाकी सभी दालें भी, अलग अलग प्रकार की दालों का सेवन करते रहे, और स्प्रिलुना तो सबसे अच्छा है। उसके बाद जितने भी खाने की चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन होता है और काफ़ी मात्रा में 52% तक प्रोटीन होता है वो सोया बड़ी में। तो सोया बड़ी का हमने कई उत्पाद उसके बताए हैं, उसमें सबसे हेल्दी होता है सोया बड़ी को भिगो दें और उसको हल्का सा सेक करके, अथवा जिनको कोई दिक्कत नहीं है डाइजेशन की तो वो सोया बड़ी को भिगो करके सीधा थोड़ा सा उसमें पनीर और थोड़ा हरी सब्जियां ये सब मिला करके, थोड़ा सा टमाटर और शिमला मिर्च डाल दें, फिर स्वाद बढ़ जाएगा, जबरदस्त उसका असर आएगा। स्वामी जी, अच्छा एक चीज मैं पूछना ये चाह रहा था, कई ऐसे भी दर्शक हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे आप जानती है वैसे मीनाक्षी जी। स्वामी जी, कई दर्शक ऐसे भी हैं जो खाने में नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, तो उनको भी कुछ परहेज करना पड़ता है अगर इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो, फाइब्रोमाइलेजिया से? देखिए, हाँ जी हाँ जी, देखो भुजंगासन के 4 अभ्यासों बताते बताते आपकी बात का भी उत्तर दे देता हूँ। वैसे तो हम क्योंकि शाकाहार के समर्थक है और अब पूरी दुनिया भी मान रही है कि शाकाहार ही मनुष्य के लिए श्रेष्ठ आहार है, कुछ लोग अंडे और कुछ दूसरे जीव जंतु खा करके प्रोटीन की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन उन जीवों को जो रोग होते हैं वो मनुष्यों को हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि शाकाहार सर्वश्रेष्ठ है। और अभी तो पिछले दिनों काफ़ी चर्चित रहा, पूरी दुनिया में वायरल हुआ, हजारों लोगों पर, लाखों लोगों पर रिसर्च किया खुद ब्रिटेन के अंदर कि जो है मांसाहार करने से मसल से लेकर के हार्ट से लेकर के ब्रेन से लेकर के अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स से कैसे व्यक्ति जूझता है और रोगों का शिकार हो जाता है, अल्प समय में ही मर जाता है। तो सबसे अच्छा प्रोटीन जब मैंने कहा दूध दही छाछ में है, सोयाबीन में है, स्प्रिलुना में है, दालों में है, तो फिर हम अनहेल्दी प्रोटीन क्यों लें? फिर भी कोई अब लेता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन एक बात तो मैं बताना चाहूँगा, मसल्स में पेन होने पर थोड़ी मात्रा में हेल्दी प्रोटीन चाहिए तो स्प्रिलुना उसका सबसे अच्छा विकल्प है।